मैं यहाँ इस समय उपस्थित हूँ अधीक्षण अभियंता एटा विद्युत विभाग के कार्यालय में। हमारे बीच हैं पीके सिंह जी, जो कि अधीक्षण अभियंता हैं, और आइए उनसे पूछेंगे कि आजकल जो स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोसेस चल रहा है पूरे जनपद में, कहाँ तक पहुँचा है और क्या इसकी प्रोसेस अपनाई जा रही है। जी सर। जी धन्यवाद। वर्तमान में कुल 3 11 KV के फीडर्स चयनित हैं हमारे, जिन पे स्मार्ट मीटरिंग की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, और इसमें इनकमिंग सर्विस केबल को बदल रहे हैं हम, और एग्जिस्टिंग मीटर को, वो डिफेक्टिव है या फंक्शनल है, दोनों स्थितियों में उसको बदल रहे हैं। आर्मर्ड केबल लगा रहे हैं, इसका कोई कास्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है कंज्यूमर से, ये फ्री ऑफ कास्ट है। आउटगोइंग केबल कंज्यूमर को देना है। इस मीटर से कंज्यूमर्स को सीधे कई ट्रेडिशनली जो बिजली विभाग से शिकायतें रहती हैं उनसे हमेशा हमेशा के लिए निजात मिलेगी। जैसे कई बार मीटर रीडर्स की शिकायतें प्राप्त होती हैं कि मीटर रीडर गलत रीडिंग बना रहा है, या बिल ठीक कर देंगे, कुछ पैसे दे दीजिए, इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, तो ये शिकायत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें मीटर रीडर का मैनुअल इंटरवेंशन समाप्त हो जाएगा, और ऑटो मोड पे बिल बना करेंगे, और वो एक निश्चित समयांतराल 30 दिन का समयांतराल होगा, जिस पे एकदम फिक्स डेट पे अधिक से अधिक 1 या 2 दिन का वेरिएशन हो सकता है, बिल डिलीवर होगा कंज्यूमर को। और इस मीटर की ये भी खासियत है कि ये प्रीपेड, पोस्टपेड और स्मार्ट मीटर की तरफ भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा कंज्यूमर के पास, और उसको पेमेंट का जो भी अमाउंट रहेगा वो विभाग से अवेलेबल कराया जाएगा। अगर सोलर पैनल लगाता है तो उसको अलग से नेट मीटर के लिए भागदौड़ करने से बचत होगी, और उस हेड में सोलर नेट मीटर लगाने में काफ़ी मतलब महंगा भी पड़ता था कंज्यूमर को, वो फीचर इसमें ऑलरेडी इनेबल्ड है, और बिना एक पैसा अतिरिक्त व्यय किए हुए उनको इसमें नेट मीटर की सुविधा भी अवेलेबल हो जाएगी। ऐसी सब एक भ्रांति है जो आम कंज्यूमर्स में है, जो जनचर्चाओं में भी रहती है, कि स्मार्ट मीटर लगाने से उनका बिल बढ़ जाएगा या कुछ मीटर ज़्यादा तेज चलेगा, ऐसा भी कुछ धरातल पर है या केवल ये इस तरह की भ्रांतियाँ हैं? नहीं, ये जो भी हमारे उच्चतम मानक होते हैं उससे टेस्टेड मीटर हैं, और इसमें कहीं भी मीटर के गलत होने की या ओवर बिलिंग का कोई दूर दूर तक स्कोप नहीं है, बल्कि कंज्यूमर को उसमें ऐसी सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, वो वॉच कर सकता है हमेशा अपने कंजम्पशन को और बिल के पैटर्न को। चूंकि इसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा, इसलिए बहुत आसानी से अगर कोई त्रुटि होती है तो वो पकड़ में भी आ जाएगी, और जांच की तो प्रक्रिया हमेशा से रहेगी। अगर किसी कंज्यूमर को अपने मीटर की चाल पे या बिल की अमाउंट पे कहीं कोई गड़बड़ी नज़र आती है तो संबंधित कार्यालय में अगर सूचना प्राप्त होगी तो हम उसको तत्काल चेक भी करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट कहा जाए तो ये फ्लॉलेस होगा इसकी बिलिंग भी और कंजम्पशन भी। सर, जो मीटर स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोसेस चल रहा है, इसमें क्या उपभोक्ता से उसका कुछ चार्ज किया जाएगा मीटर के नाम पर या केबल के नाम पर, क्या रहेगा? नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोला कि इसमें एक पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा, फ्री ऑफ कास्ट के दिया जा रहा है। इनकमिंग सर्विस केबल भी बदली जा रही है, आर्मर्ड सर्विस केबल होगी वो, और मीटर भी, उसमें एक पैसा चार्ज नहीं हो रहा। अगर एटा जनपद का आम उपभोक्ता है विद्युत का, उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे, अपने शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे, जिससे कि वो स्मार्ट मीटर से भयभीत ना हो और उसमें आपका सहयोग करें? हमने सभी अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि इसमें कहीं भी उनसे अधिक वसूली का या खराब बिल देने का, ये सारी चीज़ों को या समय समय पर उपभोक्ताओं की जो शिकायतें रही हैं उसको समाप्त करने के लिए ही इतना फाइनेंशियल बर्डन लेकर डिपार्टमेंट और शासन के स्तर से इसको प्रमोट किया जा रहा है, और ये हमेशा हमेशा के लिए कंज्यूमर्स की समस्याओं को
हल करने का एक प्रयास है, जो अब तक के कंज्यूमर के पक्ष में किए गए निर्णयों में से सबसे प्रभावकारी होगा और कंज्यूमर के हित में होगा। इससे कहीं भी भयभीत होने का या इसके प्रति कोई अप्रहेंशन है, कोई कोई भ्रांति है, तो उस पर सीधे कार्यालय से भी या साइट पर जो लोग अवेलेबल रहते हैं उनसे भी चर्चा कर सकते हैं, और जिनके यहाँ लग चुका है उनसे परफॉर्मेंस के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्लॉलेस चल रहा है और काफ़ी अच्छी मतलब अच्छा हमारे उपभोक्ताओं को महसूस होगा कि ये अगर उन्होंने लगवाया तो अच्छा निर्णय रहा उनके लिए। सर कुल मिला के लगभग कितने मीटर्स बदले जाने हैं इस प्रोसेस के तहत और कब तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा? अभी लगभग 10,000 कंज्यूमर्स का हमारे यहाँ प्रथम चरण में चयनित किया गया है शहरी क्षेत्र में, मतलब 3 फीडर्स का। वो जैसे ही हम उसको कर लेंगे, टारगेट हमारा 100% का है और उसको हम लोग अचीव कर लेंगे। तो ये थे हमारे बीच अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड एटा पीके सिंह जी, जिन्होंने साफ कहा कि एटा में जो स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोसेस चल रहा है उसमें 3 फीडर्स में ये काम शुरू किया गया है, धीरे धीरे पूरे जनपद में लागू किया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं को भी अपील की है कि वो किसी तरह से भ्रमित ना हो, स्मार्ट मीटर में कई बार टेस्टिंग करने के बाद प्रमाणिकता के साथ सारे फीचर्स इंस्टॉल किए गए हैं, अगर इसके बाद भी अगर किसी की कोई शिकायत है तो उसको ध्यान में रखा जाएगा और उसकी शंका को दूर किया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।